मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले में मुमरा से फरार शहनवाज उर्फ बद्दू की तलाश में गाजियाबाद पुलिस मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची है और मुमरा शहर में शहनवाज की तलाश में छापेमारी की जा रही है, मगर वहीं अब तक शहनवाज पुलिस की पकड़ से बाहर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजियाबाद धर्मांतरण केस में गुजरात के एक व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन पर बताया है कि धर्मांतरण का बड़ा रैकेट है जो अलग अलग राज्यों में फैला है। केवल महाराष्ट्र के मुमरा शहर में ही 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। हालांकि इस संबंध में जब हमने गाजियाबाद पुलिस के जांच अधिकारी सहदेव सिंह से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी को कहाँ से क्या सूचना मिली है वही बता पाएंगे। आगे जांच अधिकारी सहदेव सिंह ने बताया है कि आरोपी की तलाश जारी है। गाजियाबाद पुलिस मुमरा शहर में तलाश कर रही है, अभी तक किसी की मुमरा से गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पूरे प्रकरण में हमारी जांच जारी है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस के सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर, क्या नाम है आपका और जो आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं अभी इसमें क्या जानकारी आपको? देखिए, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सहदेव सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में गाजियाबाद में नियुक्त हूँ। हम लोग जांच में टीम में रूप में यहाँ आए हैं। हम लोग अपने साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हमें जो भी जानकारी लाभप्रद मिल रही है तो सबको संयुक्त संकलन जारी है, प्रयास हमारा जारी है, अधिकतम प्रयास हो। सर, जिस तरह से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जो धर्मांतरण का मामला आया, इसमें मुमरा के देवरीपाड़ा के जो शहनवाज का नाम सामने आया था तो ये पूरे परिवार के साथ फरार बताए जा रहे थे, क्या अब तक गिरफ्तारी हो पाई है इनकी? नहीं, अभी इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है यहाँ बम्बई से, अभी नहीं है। अभी प्रयास हम लोग देखते हैं, अभी उनका पीछा जारी है। अभी उनके माँ आई थी पुलिस स्टेशन में, कुछ बयान वगैरह दिए हैं तो उसके बारे में क्या उन्होंने बताया है? नहीं, अभी जाँच का विषय है। अभी जाँच का विषय है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी आपसे एडवांस हम सर कैसे बता पाएंगे। कोई गुजरात के कॉलर ने इन्फॉर्मेशन दिया कि कुछ मुमरा शहर में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में मैं क्या? मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, किसको कहां से क्या सूचना मिल गई ये आपको उन्हीं से बता पाएंगे। हम लोग यहां मुकदमे के संबंध में जांच करने आए हैं केवल। तो अभी क्या इन्वेस्टिगेशन क्या जारी है, आपकी आगे किस तरह से बढ़ रही है? अभी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं, जो भी चीज़ हमें मिल पाएगी तो सबको साक्ष्य को संकलन करा जाएगा, देखते प्रयास जारी है। Okay, thank you, sir.